सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स एट 1350 AM। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम आप सभी के नाम, आप सभी भाइयों बहनों के नाम। क्यों? क्योंकि आज का रक्षाबंधन का दिन है और इस रक्षाबंधन के दिन पे सभी लोगों ने, अपनी बहनों ने भाइयों को राखी की शुभकामनाएं दी भी हैं, मिठाइयाँ खिलाई हैं, रक्षाबंधन बांधा है। और इसका मतलब क्या होता है, एक तो हम गीत लगा देते हैं आपके लिए शुरुआत के लिए। मिलन जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं, जिनका का जो भारत से आई हमारे यहाँ पर मतलब, और वो कुछ राखी के बंधन के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में, नई पीढ़ी की है। और इनका परिचय दे दूं, इनका नाम है उम्मीद। बड़ा जबरदस्त नाम इनके माता पिता ने रखा है, उम्मीद आशा जिसे कहा जाता है। आशा नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, उम्मीद नाम पहली बार सुन रहे होंगे, मेरे तो कम से कम पहली बार। लेकिन 10 मीटर एयर राइफल शूटर हैं, नाम मैंने बता दिया। और आज हमारे अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के प्रोग्राम में है, विषय वस्तु आज की राखी नहीं, क्योंकि राखी आप लोग बांध बूंद करके आज कंप्लीट करेंगे। हाँ, लेकिन इस पर चर्चा जरूर करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम इस सब्जेक्ट पर चलेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिलन जी हम हमारे प्रोग्राम में, अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में, उम्मीद का। उम्मीद, स्वागत। नमस्कार, शुक्रिया तिवारी जी इतनी ही खास इंट्रो के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज राखी के इस अवसर पे बुलाने के लिए अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। और आज जैसे कि आपने बोला, हम बात करेंगे राखी की। भाई बहनों का रिश्ता बहुत ही खास और अहम रिश्ता होता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और साथ निभाता है। थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है आपस में, पर जैसे भाई बहन एक दूसरे को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता, एक दूसरे को दोस्तों से बेहतर समझते हैं और सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, यही होता है भाई बहनों का रिश्ता। एंड देयर इज दिस वन क्वोट आई नो दैट पेरेंट्स आर देयर विद यू व्हेन यू आर बॉर्न, बट सैडली दे लीव यू अ लिटिल सून, एंड आ सिग्निफिकेंट अदर और अ पार्टनर कम्स इनटू आवर लाइफ अ लिटिल लेटर, लाइक 25-30 इयर्स लेटर। बट आवर सिबलिंग्स, आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स आर देयर, दे आर द ओनली वंस दैट आर देयर विद यू फॉर द एंटायर राइड। सो दैट्स द डील, और मुझे लगता है यही इस रिश्ते को बहुत खास बना देता है। मेरा भी एक छोटा भाई है शौर्य, और उससे मेरी काफी लड़ाई होती है और हम काफी बातों पे बहस जाते हैं, पर अंत में मुझे उसके साथ ही वक्त बिताना सबसे अच्छा लगता है, और मैं उससे बहुत अत्यंत प्यार करती हूँ, और मुझे लगता है यही राखी के बारे में हमें बताता है। मिलन जी, उम्मीद ने ये जो प्रस्तुति दी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात बोली है उनकी, चाहे भाई हो। मैं इसमें थोड़ा सा अपना तड़का ये लगाना चाहूंगी। बिल्कुल लगाइए लगाइए। जो उन्होंने लास्ट में बोला, वर्ड सिबलिंग यूज किया, तो जरूरी नहीं कि भाई बहन का रिश्ता, बहुत बहनें आपस में भी राखी बांधती, क्योंकि वही रिलेशनशिप वो भी शेयर करते हैं। तो बेसिकली मैं बोलूंगी कि ये एक सिबलिंग्स का है, ऐसा वो गया जमाना है कि लड़कों के ही राखी बांधनी है, लड़कियों को ही राखी बांधनी थी। बट हाँ, आजकल तो सारे फैशन भी निकल आते हैं, भाभी के भैया के साथ भाभी को भी टाई करा जाता है। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट वही है जैसे उम्मीद जी ने बोला कि इमोशन इम्पोर्टेंट है, कि आप एक दूसरे को प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, प्रोटेक्ट करें, उनके लिए खड़े रहें, और दोनों तरफ से, है ना जी, तो दोनों तरफ से रिश्ता निभाएं उसको पूरे दिल से। देखिए, एक गीत हम पूरे प्रोग्राम में जरूर लगाते हैं, तो आज का देखिए, अब इसे जिस रूप में भी माना जाए, भगवान के लिए माना जाए तो भी उचित है, अब जैसे भी माना जाए वैसे इसकी सारी कहानी, हम लोगों ने एक बार और इस पर कार्यक्रम किया था। तो एक जो आपने बात कही, बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ये सिबलिंग्स का, और कोई जरूरी नहीं है कि कई बार हमारे जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो एकदम नज़दीकी होता है, और उस रूप में कि आप एक परिवार में एक माँ बाप से पैदा होते हैं, लेकिन राखी का ऐसा रिश्ता है कि किसी से भी बनाया जा सकता है, किसी से भी बनाया जा सकता है। और गीत जरूर मैं लगाऊंगा। हमारे साथ सुखविंदर जी जुड़े हुए हैं, वो भी इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट कुछ और है, थोड़ा पॉलिटिकल है, सोशल है, वो बात की बात, लेकिन राखी
मेरे यहाँ पे हमारे जितने भी हिंदी टाइम्स मीडिया में काम कर साथ में हमारे साथी लोग हैं, उन्होंने सब लोगों ने इकट्ठी चिट्ठी दी, भाई आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, आज तो हमें छुट्टी चाहिए। मैंने कहा मैं कैसे मना करूँ आपको। तो सुखविंदर जी कुछ कहेंगे आप इस पर? जी तिवाड़ी साहब बहुत बढ़िया आपका प्रोग्राम है जी। तो ऐसा है कि वो राखी बंधन वाले दिन ही एक बहन भाई का रिश्ता क्यों है, पूरा साल क्यों नहीं, पूरी लाइफ क्यों नहीं? इसी तरह माँ बाप का है, आप माँ बाप का दिन मनाते हैं, चलो मदर डे फादर डे जी, मगर वो तो हर दिन है जी। देखिए मैं अगर प्यार है आपके पास तो आपको राखी बांधने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे ख्याल में, आपके ख्याल में। चलिए इसका उत्तर मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि मिलन जी और उम्मीद, देखिए बहन भाई के मुख्य रूप से त्योहार को माना जाता है, लेकिन देखते हैं कि ये लोग क्या उत्तर देती, फिर अपनी बात मैं कहूंगा। उम्मीद आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, एक स्पेसिफिक डे मेरे हिसाब से इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक दिन हम एक खास दिन रख देते हैं उस चीज को बार बार याद करने के लिए। पूरा साल ये रिश्ता निपटता है, ऐसा है नहीं जैसे कि मिलन जी ने कहा कि सिर्फ भाई बहनों का नहीं और किसी के साथ भी हो सकता है जो हमें प्रोटेक्ट करे। अब मेरा भाई कहता है कि दीदी आप मेरी रक्षा करते हो, मैं तो आपकी कहां ही करता हूँ। तो ये एक इंटरनल रिलेशन है, किसी के बीच में भी हो सकता है और ये हर दिन चलता है, हम इस चीज का एहसास नहीं करते, पर ये रोज किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और एक दिन इसको याद रखने के लिए, जैसे सबके बर्थडेज होते हैं ताकि साल में एक दिन हमें याद रहे कि ये दिन खास है, वैसे ही राखी एक दिन इसलिए निभानी तो हर रोज होती है लेकिन उसे याद एक दिन रखा जाता है। हाँ जी, मिलन जी कुछ कमेंट करेंगी? जी मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से, जो रिश्ते होते हैं वो ओवरनाइट या एक दिन में नहीं होते हैं, जो बात उम्मीद कह रही है वो सही है। और हमेशा वो एक दिन स्पेशल रखना शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर बंदा एक जैसा नहीं होता है ना। जी, जी। बहुत बार ही कुछ कुछ माओ का जैसे सुखविंदर जी पूरी बात हो जाए एक एक करके, वो पूरी बात करने मिलेंगे फिर आप बोलेंगे। जी जी, सुखविंदर जी ने बोला कि मदर्स डे वाली बात, तो कभी कभी जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस आ जाते हैं कि माँ कहती हैं कि पैसे तो कभी पूछा नहीं, चलो एक दिन तो पूछ लिया। कुछ ऐसी माएं भी होती हैं जिनको नहीं इम्पोर्टेंस मिलती, एटलीस्ट उस दिन उनके हस्बैंड उनके घर वाले सब उनको थोड़ी सी, तो उस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो अच्छी बात है, एक दिन तो होना चाहिए। जी ठीक, सुखविंदर जी आप तो चले गए, चलिए दोबारा कॉल कर लीजिएगा। बहरहाल रक्षाबंधन के ऊपर मेरी समझ है कि हमारे जो श्रोता हैं वो इसको समझ गए होंगे, और सीधी बात यह है कि रक्षाबंधन इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है भाई बहन, क्योंकि ये गुरु को शिष्य बांधता था, क्योंकि गुरु से रक्षा की उम्मीद की जाती थी, गुरु अपने ज्ञान से या जैसे भी रक्षा करते थे। और उसी लिहाज से जैसे मिलन जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहन भाई इसका कोई मतलब नहीं होता, बहन भी भाई को बांध सकती है, भाई भी बहन को बांध सकता है। जैसे उम्मीद आपने कहा कि आपके भाई ने कहा कि दीदी आप तो मेरी रक्षा करते, तो बिल्कुल उचित होता है, लेकिन एक कारण इसमें सिर्फ ये माना जाता है कि शारीरिक रूप से समझा जाता है कि शायद लड़के या पुरुष ज्यादा मजबूत होते इस कारण से। कमल जी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। हाँ जी जी, अपने तिवारी जी नमस्कार। और जी नमस्कार जी, नमस्कार। बात ऐसी है ना, पता नहीं मेरा पहले से ही ऑलमोस्ट नाउ 60, तो पहले से मेरा ना वो रिश्ते निभाने में जो मजा आया उसमें वो मुझे नहीं लगता ऐसा। बाकी राखी बांधी जाती थी तो आपकी बहनें हैं, बहन होगी, बहन या बहनें हैं? या माय सिस्टर है, वो अभी लास्ट ईयर शी वाज गॉन। ओके, तो उनके पूरे हो गए, तो मेरी पहली राखी उनके बगैर है। लेकिन मेरा निभाने में जो रिश्ते निभाने में मजा है ना, वो मेरे ख्याल से वो नहीं है। बाकी सब अपना अपना, सब रिश्ते निभाने की बात आप कर रहे हैं। और तो बिल्कुल अपनी बहन या कोई दूसरी कोई भी बहन हो जी, जब कभी भी कोई ऐसा हो तो हमें वो वहाँ पे अपना फर्ज निभाना चाहिए, ना कि उनके साथ में मिल जाना चाहिए। जी जी, मैं आपको एक छोटी सी बात कहकर फिर उसके बाद में आज के प्यारे से एक गीत के ऊपर जाएंगे। अब मैं आपको सीधी मेरी जो समझ है और इसके पीछे ये कि रक्षा सूत्र इसे बोला जाता है, जिस तरह से आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में आप लोग अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं। अब ये तो है कि शादी तो पति पत्नी तो पूरे साल भर जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? वैसे रक्षाबंधन हमारी संस्कृति का अंग है, हमारे कल्चर का एक अंग है, और उस कल्चर में आपको जो कहानियां आती हैं वो ये कि जब आपकी कलाई पे वो राखी वो धागा बंधा रहे तो वो आपको क्यों बांधा हुआ है, आपको जब भी देखेंगे आपको याद दिलाएगा कि क्यों बांधा गया है राखा,
राखी आपके हाथ में, ये याद दिलाती है कि आपने एक प्रण किया, एक प्लेज किया, एक आपने प्रतिज्ञा की अपनी बहन के लिए, जिसको भी मानते हैं। पुरानी हुमायूं को कर्णवती ने राखी भेजी थी, हुमायूं हार गया शेरशाह से, और लेकिन उसने कर्णवती की जो राखी की पुकार सुनी तो वो अपना सारा काम छोड़ करके गया। तो इस लिहाज से ये बात इसकी नहीं होती। मैं एक बड़ी दिल भरने वाली बात कहूँगा। आज मैं हमारा ऑफिस जहाँ पर है और उसके जो बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो पाकिस्तान से मुस्लिम हैं, वो आए बोले राकेश भाई मुझे राखी का पता है लेकिन मेरे यहाँ पे मतलब उन्होंने रेंट पर बेसमेंट या दिया होगा। एक बच्ची थी बोले कि वो रो रही थी क्योंकि अपने भाई को मिस कर रही थी कहीं ना कहीं। तो बोले हमें लगा, मैं गया पहुँचा तो बोले कि मेरा दिल भरा है, मेरा मन किया मैं रहूँ। बोले नहीं बेटा, पहुँचे वो, उन्होंने कहा कि मैं जा करके और मैं जा रहा हूँ उसके लिए। बोले कि मुझसे पूछा उन्होंने क्या करने चाहिए, उन्होंने कहा देखो आप वो आपको मिठाई खिलाएगी। बोले मैंने उससे कह दिया कि मैं तेरा पिता भी, जो मुझे मानना, पिता मान ले, भाई मान ले, जो मान ले मुझे उस रूप में, और मैं ये लेकिन जो कोई भी जरूरत होगी मैं साथ में रहूँगा। यही है कि आपको वो रक्षा सूत्र याद दिलाता और आपके दिल में वो पवित्रता का एहसास कराता है। और भाई बहन के रिश्ते के ऊपर तो जितना कुछ कहा जाए उतना, कृष्ण को द्रौपदी ने राखी बांधी थी, ये सारी कहानियां हैं। बहरहाल दोस्तों थोड़ा सा समय इसमें हमने लिया और मन करता है कि रक्षाबंधन का ये गीत जो मेरी पसंद का भी है और उम्मीद करता हूँ ये आपको भी पसंद आएगा क्योंकि इसमें वो भाव है, वो मैसेज है कि क्या मतलब होता है इस राखी का। ये कलाई की पे जो डोरी होती है ना दोस्तों, वो इतनी बड़ी चीज है कि जिसने भगवान विष्णु को छुड़ा दिया और मतलब नहीं तो वो पाताल में ही रहते। मुझे लगता है कि अभी भी हो, शायद हो सकता है कि बलि राजा ने ऐसे तो छुड़ा नहीं हो, क्योंकि दोस्तों ओणम का भी त्यौहार है। और मिलन जी बात की बात चल रही है और मेरा आपसे सवाल भी है, हमारे साथ में नीलम जी भी जुड़ी हुई हैं, जुड़ा है आज के विषय वस्तु के लिए, लेकिन राखी पे बात हो रही, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, आज का त्यौहार है तो जरूरी है। नीलम जी आपका स्वागत है, राखी के बारे में थोड़ा सा आप भी कुछ कहना चाहेंगी? गीत तो हमने सुना है, उसके बाद में जाएंगे हम लोग सीधे हम लोग इसके बाद में जाएंगे आज के पंचांग की ओर। जी बोलिए। जी जी जी, ये राखी को लेकर राकेश जी इस बार थोड़ा सा यहाँ पर जो संदेह भरा दिन बीता, काफी दिनों से संदेह कर रहे थे, क्या हुआ जी? काफी दिनों से लोग ये तर्क कर रहे थे कि 30 तारीख को राखी मनाए कि 31 तारीख को राखी मनाए। तो मेरी जो ज्योतिषी हैं कुछ थे उनसे बात करते थे, उन्होंने जो निदान निकाला था वो ये था कि 30 तारीख को, क्योंकि सुबह से पूर्णिमा तो शुरू हो रही थी क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही राखी मनाई जाती है, पर साथ ही उसके भद्रा काल लग रहा था। अच्छा। तो इसलिए जो राखी का इस बार मुहूर्त था वो रात में 9, भारत की बात कर रही हूँ, भारत में रात 9:04 से शुरुआत थी और अभी जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं इस दौरान चल ही रहा है मुहूर्त, और सुबह 7 बजे तक का मुहूर्त है। उसके बाद 31 तारीख को मुहूर्त तो शुभ है पूरा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन पूर्णिमा खत्म हो जाए। जी बहरहाल भद्रा काल के संदर्भ में हमारी बात कहीं से कहीं आ रही, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं दोस्तों। अच्छा तो ये तो होगी भद्रा काल की आपने बात कर दी, भद्रा काल के संदर्भ में कुछ कहना चाहती हैं कि क्यों माना जाता है इसको? चलिए मैं बता, भद्रा के सब मैं बता दी, चलिए आप बताइए। जी दरअसल भद्रा जो है उनके संदर्भ में कहा जाता है कि वो शनि देव की बहन मानी जाती हैं और सूर्य देव की पुत्री मानी जाती हैं, और उनका जन्म जो हुआ था वो राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ था पृथ्वी पे। और इसी भद्रा काल में आपको बता दूं कि सुपर्णखा ने रावण को राखी बांधी थी और रावण का अंजाम क्या हुआ था ये आप और हम सब जानते हैं। तो हम लोग ऐसे हैं कि भाई उस वक्त में सुपर्णखा ने रावण को मतलब उस टाइम पे बांधा था, इस लिहाज से सुपरस्टिशियस तो हैं होते हम लोग दोस्तों, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें एक और चीज जो मेरे सामने आई है वो कहते हैं कि भाई भद्रा काल में तंत्र साधना अदालत से जुड़े काम और राजनीति से जुड़े काम काज किए जाएं तो सफल होते हैं, किंतु शुभ कामकाज और शादी ब्याह इस दौरान करने पर उसमें असफलता मिलती है। ये मीडिया में आई हुई चीजें हैं। मैं चाहूँगा कि अब एक छोटा सा
व्यावसायिक अंतराल ले लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों आपके साथ जुड़ते हैं तत्काल। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, स्टूडियो का नंबर 905-601-1350, और आपको तैयार कर देते हैं आज के सब्जेक्ट विषय वस्तु के लिए। वो है ग्रीन बेल्ट का इशू, यानी ग्रीन जो यहां पर ऑन्टेरियो सरकार ने इस बीच में वहां के हाउसिंग, यहां के हाउसिंग मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दिया है, और जिसे हिंदी में कहा जाता महालेखा अभियंत्रक, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मिलन जी कुछ कहते हैं ना, आप लोग तो अंग्रेजी ज्यादा जानते हो। हेलो मिलन जी, आप हैं मौजूद? जी जी, हाउसिंग मिनिस्टर ने वो क्या बोलते हैं उसको, उसका मिनिस्ट्री का नाम मैं भूल रहा हूँ, नीलम जी कुछ मदद कीजिए आप भी। हाँ, हाउसिंग मिनिस्टर ने तो इस्तीफा दिया, लेकिन जिसने जिन्होंने इसका सर्वे के, मतलब इसके अंदर उसको अटॉर्नी जनरल तो नहीं, अटॉर्नी मैं नाम खोजता हूँ दोस्तों, आप बताइएगा। हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहरहाल कमल जी, जी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके पश्चात में मैं तुरंत लेना चाहता हूँ कमर्शियल ब्रेक। जी हाँ जी, अपने तिवारी जी देखो ना, आपके पास दो मिनट होंगे बोलने के लिए मुझे, जहाँ फिर कॉल बाद में करूँ? आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा था, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद में अभी होल्ड पे चल जाता हूँ। हाँ, होल्ड पे आ जाए, होल्ड पे आ जाए। जी जी, लेते हैं दोस्तों एक छोटा सा। इंटीग्रिटी कमिश्नर कहते हैं, इंटीग्रिटी कमिश्नर मतलब जिसकी थोड़ी, और मिलन जी जरा खोजिए इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, मेरी तो आपको पता है, इसलिए मैं हिंदी में प्रोग्राम करता हूँ, अंग्रेजी में नहीं है ना। खोजते हैं, इसके बारे में बात बाकी चर्चा करेंगे। लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, यानी व्यावसायिक अंतराल। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, जहां होती है हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज के चर्चा। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकेंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 416-302-5776-416-302-5776। अब कोई और रखेगा किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए युगेश मेंड्रा को 905-581-5757, 905-581-5757, या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyaslaw.com। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा। और मैं कृष्णा के लिए मंखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर, और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फैदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808। मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस, गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा, दे आल्सो हैव अ गैस स्टेशन देयर। रियली? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। नेविगेटर्स कैफे, द हाउस ऑफ आलू पैटी, मसाला चाय एंड फ्यूल, एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ क्वीन स्ट्रीट एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट।
Actually, Navigator's Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigator's Cafe. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा मनूंगा. और मैं कृष्णा के लिए मंखन लेकर आऊंगी. अच्छा जी, तो ठीक है. इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे. इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं. खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी. इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808. अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है. कमलजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कमलजीत जी, थोड़ी देर में मैं शुरू करूंगा यहाँ आप पंचांग और उसके साथ में आज की मुख्य खबरें, लेकिन आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, लेकिन आप कुछ बात कहना चाहते थे, बोलिए जी. कमलजीत जी, आप हैं ऑन एयर? हेलो. तो बहरहाल कमल जी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या कहीं गए हुए हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं आज की खबरों को आप तक लेके आते हैं. आज की खबरें, मुख्य सुर्खियां पंचांग के बाद साथ में और उसके बाद में आपके साथ में हम चर्चा करेंगे. आज के में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में. आप हमारे YouTube चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले. और दोस्तों, सबको खबर देने का और सबकी खबर लेने का समय है, लेकिन पहले तो हम आपको 5 का पंचांग बता देते हैं, सुनते हैं उसके पश्चात में. नमस्ते, सुप्रभात. आज है 30 अगस्त 2023 और दिन है बुधवार. विक्रमी संवत 2080 के श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि. नक्षत्र है धनिष्ठा तथा योग है अतिगंड. नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगाप 5125. आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार. सम्मान की इच्छा होना और सम्मान पाने योग्य कर्म करना, दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता होती है. स्मरण रहे कि समाज में जिसको भी सम्मान की प्राप्ति हुई है, वह उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण हुई है. क्योंकि छीनकर संपत्ति तो पाई जा सकती है, परंतु सम्मान कभी नहीं पाया जा सकता. आपका दिन मंगलमय हो. तो दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, यही हम भी चाहते हैं और बिल्कुल होना भी चाहिए. लेकिन समय हो चुका है आज की मुख्य सुर्खियों का. हम लेके चलते हैं आपको आज की मुख्य सुर्खियों की ओर. तो दोस्तों, कनाडा की खबरें और कनाडा की खबरों में आज की मुख्य सुर्खियां आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं. आइए उस तरफ चलते हैं और सबसे पहले कनाडा की सुर्खियों की ओर चलते हैं. कनाडा की सुर्खियों में 2020 में मिस्सागा पुलिस द्वारा मारे गए एजाज चौधरी के परिवार ने दायर किया मुकदमा, मांगा $2 मिलियन का मुआवजा. और टीटी से एग्लिंगटन क्रॉस टाउन से होने वाली $60 मिलियन की बचत उपयोग करके सेवा को बढ़ावा देगी. और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में आगे बढ़ी चुनाव की तिथि, अब 14 नवंबर को होंगे चुनाव. कंजर्वेटिव नेता पियर पोलिवे का बयान, स्कूलों को LGBTQ के मुद्दे पर परिवार के ऊपर इसे छोड़ देना चाहिए. और उसी के साथ COVID-19 मामलों में वृद्धि के लिए तैयार है कनाडा. हेल्थ कनाडा ने 3 नए टीकों की समीक्षा की और एडमंटन के बाल रोग विशेषज्ञ को बाल पोर्नोग्राफी के आरोप में दोषी पाया गया. अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में मध्य चीन में बारिश के बाद 3000 से अधिक लोगों को निकाला गया. उत्तर कोरिया ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण सीमा फिर से खोली. सियोल
से खबर है। इसराइल पर हमला करने पर महामास को चुकानी होगी कीमत। नेतन्याहू ने कहा इसराइल ने अत्याधुनिक जासूसी विमानों की परीक्षण उड़ाने शुरू की। सेना का कहना है चुनाव जीतने पर एलन मस्क को सलाहकार बनाना चाहते हैं। विवेक रामास्वामी है रिपोर्ट। और भारत से सुर्खियों में बम रखे जाने की कॉल के बाद इंडिगो विमान में मचा हड़कंप। रनवे से वापस लौटा विमान। उड़ती फ्लाइट में दो साल की बच्ची के लिए देवदूत बने पांच डॉक्टर। ओपन हार्ट सर्जरी करके बचाई जान। सीबीआई ने कुचारा घोटाले में 90 को ठहराया दोषी। 35 बरी। और भारत का पहला सूर्य मिशन सितंबर के पहले सप्ताह में होगा लॉन्च। साथ में ले जाएगा 7 वैज्ञानिक पेलोड। व्यापार में 900 लोगों को नौकरी से निकालने वाली कंपनी के स्टॉक में भारी गिरावट। 7.7 बिलियन डॉलर से 19.14 बिलियन डॉलर पर पहुंचा मार्केट कैप। बंद हो रही फेसबुक की सर्विस सितंबर से नहीं कर पाएंगे यूज। और साइबर सुरक्षा 48 ने सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में कर्मचारियों की छटनी। और मनोरंजन जगत से द फ्रीलांसर में अपने नेगेटिव किरदार को लेकर बेहद उत्साहित है नवनीत मलिक। स्पाई यूनिवर्स की जासूसी फिल्म में आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगी शर्वरी वाघ। और कांतारा 2 की शूटिंग नवंबर में होगी शुरू। 2024 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। और खेल जगत में कोच जॉन हार्डमैन ने दिया त्याग पत्र। संभालेंगे टोरंटो एफसी के मुख्य कोचिंग का काम। और यूएस ओपन में जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने की वापसी। और एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने नेपाल को बुरी तरह से हराया। तो ये हो गए दोस्तों आज की मुख्य सुर्खियां। हमारे साथ में नीलम जी मौजूद हैं। नीलम जी, आज के सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आज की विषय वस्तु के बारे में? थोड़ा समय तो हो चुका है लेकिन बताइए जी। हेलो नीलम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही, बोलिए जी। जी मैं कह रही थी कि आज का जो ये मामला है ये नया नहीं है, लेकिन नया इसलिए हो गया है क्योंकि एक इस्तीफा सामने आया है। जो आरोप इतने दिनों से टैक्स फोर्स सरकार पर बाहर से लोग लगा रहे थे, वो आरोप अब अंदरूनी तरीके से लगा है और यही कारण है कि मामला फिर से चर्चा में है। मामला 2022 का है, 2022 के अंत का, जब कोर्ट ने ग्रीन बेल्ट की जो भूमि है उसे संशोधित करके जो रहवासी इलाके हैं यानी कि जहाँ पर लोग रह सकते हैं उसमें तब्दील कर दिया था। इस बार आरोप ये लगा था कि उन्होंने अपने एक व्यापारी मित्र को ये जमीनें दी हैं। ये वही व्यापारी मित्र थे जो उनकी बेटी की शादी में एक तरह से स्पॉन्सरशिप की थी उन्होंने शादी को, और उनकी शादी में शामिल हुए थे। तो इस तरह के आरोप डग फोर्ड पर लगे थे। और डग फोर्ड लेकिन बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे इस तरह की चीजें प्रभावित नहीं कर सकती है और जो भी मैंने किया है वो जनता के हित में चीजें की है। यही सारी बातों को लेकर अब फिर से चर्चा में, क्योंकि इस्तीफा हुआ है राकेश जी। जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं जो हमने सब्जेक्ट की जानकारी दी है, गुरजीत गोसल साहब। मुझे लगता है कि मतलब हम लोग देखिए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। और जी मेरा सिर्फ इतना कहना है हमारे बाकी लोगों के लिए कि अब कनाडा और भारत में कोई ज्यादा अंतर बचा नहीं है। मतलब जिस प्रजा का ना राजा चोर बन जाए, हाँ, जो डाकुओं के साथ रल जाए, वहाँ के लोग क्या करेंगे? जी 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 बिल्कुल। जो राजा है जो डाकुओं के चोरों के साथ रल गया है, ये आम पब्लिक तो मर जुगी है। बिल्कुल सही बात है। ये उन्होंने पूरी ग्रीन बेल्ट का थोड़ा सा ये बताएंगे, जो हाउसिंग मिनिस्टर स्टीव क्लार्क इतने बड़े मामले को, क्योंकि सिर्फ ये मामला मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ हाउसिंग मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है, इसमें पूरी ऑन्टेरियो की सरकार और डग फोर्ड खुद फंसते हुए नजर नहीं आ रहे? जब फंस रहे हैं अभी आप बताओ भैया, 110 पेज का रिपोर्ट आया ना? जी बिल्कुल सही है। जो 110 पेज का रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने मिनिस्टर डग फोर्ड का एक दो इस्तीफा दे गया, वो आदमी जो उसके ऑफिस में काम करता था। जी 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 जी, उसने तो छोड़ दिया पहले। अभी इसका जो हाउस मिनिस्टर है वो भी इस्तीफा देगा, स्टेप डाउन करेगा ना। जी मेरे हिसाब से इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए जो फ्रॉड करते हैं। जहाँ फिर तो पंजाब में इंडिया में जहाँ फर्क क्या है, बस लोगों को स्टेप डाउन करके छोड़ देना चाहिए। आरसीएमपी जो प्रूफ सबूत इकट्ठे कर रही है जी, उनको सबूत इकट्ठे करके इनको सजा देनी चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। कहना है गुरजीत गोसा साहब का जी, हमारे जैसा आदमी 5,000 के ऊपर फ्रॉड करता है उसको 6 महीने में चक्के ये जेल में डाल देते हैं। इन्होंने तो लाखों का फ्रॉड किया, करोड़ों का क्योंकि हाँ, जो बता दिया जाए कि ये जो ग्रीन बेल्ट यहाँ पे बनना नहीं चाहिए था, ये एग्रीकल्चरल एनवायरमेंटली और सेंसिटिव लैंड है। और इसकी अगर बात की जाए कि कितनी बड़ी जमीन है, ये 2,995 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जिसको 3,000
एकर बोला जा सकता 50,000 घर बनने थे। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है इस मामले में कि इसके अंदर आरसीएमपी जांच कर रही है। हम अपने यहां पर इशू ले रहे हैं। कमलजीत सिंह जी क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, लेकिन हम तो तब मानेंगे ना जब कोई बंदा पकड़ा जाए और उसको सजा हो। आपको मालूम है अभी उन्होंने एक बंदे ने रिजाइन दे दिया जी। तो क्या होगा आपको मालूम है? मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ जी। 2001 से सितंबर 11 से पहले 2001 अमेरिका में एक एनरॉन कंपनी थी, बहुत बड़ी शेयर मार्केट जी, वो क्लाप्स हुई थी आपको मालूम होगा ना जी। तो उसके जब इंक्वायरी चली थी तो उनमें से जो नंबर थर्ड और फोर्थ का जो बंदा था उनका पूरी उसमें जो टॉप ऑफ द लाइन, तो उसको वो अपने घर के ड्राइवे की मर्सिडीज कार में डेथ पाया गया बाय शूट, उसने अपने सर में गोली मार ली, सुसाइड कर लिया। और उसके बाद उसकी इंक्वायरी ठप हो गई, आज तक कुछ नहीं पता क्या हुआ। ऑन रिकॉर्ड पता होगा आप ढूंढ, एनरॉन थी कंपनी बहुत बड़ी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, अब एक बंदे ने इस्तीफा दे दिया वो अपना ऊपर ले लेगा और ऊपर वाला बच गया तो ऊपर से घुमा घूमकर उसको कहीं ना कहीं और फिट कर देंगे उस बंदे को। तो कुछ होता कुछ नहीं है। अच्छा, गोसल जी की बात सही है, जो पहले छोटा आदमी है कानून उसके लिए है, बड़े आदमी के लिए नहीं है। तो हमें लोगों को, हम लोग को सबको इकट्ठा होना चाहिए और जो भी बंदा है चाहे अपना हो कोई भी हो जी भाई, उसको निकालो यहाँ से और अच्छे बंदे को लाओ। मतलब ठीक है, जसबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। जसबीर जी स्वागत है आपका, आप क्या कहेंगे इस पे? भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। थोड़ा जी मेरा हिंदी जो हथ टांग गया, माइंड नहीं करना। नहीं कोई माइंड नहीं करना सर, जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ में आती है। और सारे लिसनर जो हमारे पंजाबी में भी है, पंजाबी हिंदी समझ में थोड़ी हमें आती है मुझे। बोलिए। हाँ जी, लास्ट जेरे कालर है इन्होंने बहुत बढ़िया विचार दिते हैं, पर गल भी इतने माफिया बन के रह गया। अजकल इलेक्शन जी जी पहला इलेक्शन हुई थी इन्होंने प्रोमिस किया हाईवे नवे का जरा नॉर्थ के क्डना, जिनी भी जमीन ली गई है सारा माफिया इनवॉल्व है। उन्होंने दसिया गया कि असी ग्रीन बेल्ट चेंज जोनिंग करके कमर्शियल बना देंगे जी। सारी मनी जी ड्रग की मनी है इतने यूज की जाती है, बहुत बड़ा माफिया। तो सानू वोटा पाने वेले सीख लेना चाहिए क्योंकि लॉलीपॉप देंगे अपने न्याणियों सीटा दवा के जॉबा के पक्के करके, असी इन्हों का टाइम ना वेस्ट करिए। एक बेनती करके यही है, इन्हों सजा बद तो वो होनी चाहिए। जिदा गोसल साहब ने कहा अस्तीफा दे के ये कोई हल नहीं है। मैं तो कहना इलेक्शन के वेले जिन्हें भी उधर ग्रीन वालिया जमीन लिया उन्होंने इनक्वायरी होनी चाहिए। समा देने का बहुत धन्यवाद है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बलदेव जी आप आए हैं एयर पर, आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान और कनाडा तो लगता बराबर हो गया, अब कहां जाया जाए? तो मतलब ये सारी हालत वैसी होगी है जैसी इंडिया में है, यहाँ पे भी हजारों एकड़ जमीन की इश्यू हो चुका है जी। यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, मतलब ये ग्रीन बेल्ट का, ग्रीन बेल्ट वाला इशू आपको नहीं लग रहा कोई इशू है ये? स्वागत है, बहुत प्यार 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 से सब कर लाना। हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आप बोलिए, इस इशू पे कुछ बोलना है आपको? ये जो इशू राखी की बात कर रहे हैं, अच्छा राखी की बात कर लें। 12 मार्च 1783 बेगम समूरों ने वकील सिंह राखी बंधी सी दिल्ली का किला छड़ने वास्ते, सिखर दिल्ली के किले लत्त मार के ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦੋ। ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ, ਹਾਂ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਕਾ ਬੋਲਨੇ ਕਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੀ। ਰਾਖੀ ਬਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਰੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। चलिए अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, 222 पे नंबर है, आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे आज के इस सब्जेक्ट के ऊपर? राखी पर तो हमने ऑलरेडी आधे घंटे चर्चा की है खूब ठीक ठाक, लेकिन बोलिए 222 नंबर है आपका, बोलिए क्या नाम है आपका? भाई साहब जी क्या हाल है जी? जी बहुत बढ़िया सर। हाँ जी हाँ जी, बस बात तो आपकी सही है जो गोसल जी ने बोला है, जो सरकारें हैं अभी अभी माफिया का काम कर रही है। बिल्कुल, जो आम आदमी कोई 5,000 से ऊपर का कोई घपला करता है तो उसको सजा होती है जी। 8 बिलियन से ऊपर का ये हेरा फेरी है, $8 बिलियन से ऊपर की हेरा फेरी है। सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं और उसके साथ में इंटीग्रिटी मिनिस्टर, इंटीग्रिटी जो चीफ हैं उन्होंने, उनका ये कहना है। और उसी के साथ में मैं कुछ और अपडेट्स आपको बता दूं। एक बात और सुनो जी। चलिए बोलिए बोलिए। वो पहले डॉक्टर मगेंटी सर थे जी, जी। उसने भी देखो जो परमाणु प्लांट का जो चेंज करने के लिए उसने कितना पैसा बर्बाद किया था जब उसकी रुकारी पड़ी थी, तो
उसने सीडी वगैरह डिलीट कर दी थी सर जी। तो ये आपका मानना है कि यहाँ पर कनाडा में भी अपर लेवल पे इतना ज्यादा करप्शन है, और जब वो बाहर आ रहा है तो हमें सुन के गुस्सा भी आता है कि भाई हम भारत छोड़ करके इसलिए आशा है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा करप्शन था, यहाँ पे भी हमारी मेहनत की कमाई अगर इस तरह से चोर लुटेरे इस तरह के लोग खाएंगे तो क्या फायदा, यही कह रहे हैं ना कि ये आपने हमारे दिल की बात मान ली है, बोल दी है, हम यही बोलने वाले जो हम जहाँ से छोड़ के आए थे इधर तो वहां से भी ज्यादा हेराफेरी का काम हो रहा है। बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो साहब आप फेडरल मिनिस्टर हैं भारत में इस तरह के, हाँ और जाने वाला था अभी जी, बोलिए तो बात है, अभी ट्रूडो साहब देखो क्या कर रहा है, इधर आदमी को डंप कर रहा है जी जी, कीड़ियों की तरह आदमी इधर सुने फिरते हैं, काम नहीं है, घर नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है इधर जी। अभी हम कोई ऐसा टास्क शो लेके आओ कि हम कौन सी कंट्री में भागे इधर से, अभी दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि अपना घर छोड़ के अब और कहां जाया जाए, वहीं भारत से तो करप्शन के कारण हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे फोर्ड साहब और जो भी फोर्ड सरकार के समर्थक हैं, मैंने हिंदी टाइम्स मीडिया ने आज के सब्जेक्ट के बारे में पोस्ट बना करके सभी जगह पे भेज दी, और मतलब जितनी मेरी लिमिटेशंस हो सकती हैं, और जिन लोगों तक पहुंची हैं उन लोगों ने दूसरी जगह भी बुला होगा क्योंकि बहुत सीरियस मामला है। सॉरी देखो जी, ये लोग बहुत ग्रीडी लोग हैं जी। हम लोग जो पहले बोलते थे भाई हमारे से तो गोरे चंगे हैं या दूसरा चंगा है, कनाडा बहुत नंबर वन कंट्री, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं जी जी जी, शुक्रिया। पहले भी नहीं था नंबर वन कंट्री है जी जी। देखो जो फर्स्ट नेशन के साथ क्या हुआ उसके बच्चों को जी जी जी, मैं वही कहने जा रहा हूँ, मैं इस पर बात करता हूँ जी। कहां से कनाडा बिल्कुल सवाल आ रहा है। जसबीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जसबीर चौहान साहब ओंटेरियो के जो रीजनल चीफ हैं ग्लेन हेयर साहब ने, उनका कहना है कि ओंटेरियो उन्होंने यूनानिमसली वोट किया है और डिमांड की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, कहा कि भाई ये ग्रीन बेल्ट की पूरी जो जमीन है वापस की जाए, हमें पूरी वापस की जाए, और ये वहां पे हाउसिंग नहीं। पहली बात तो ये कि जो प्रोटेक्टेड लैंड है पर्यावरण के लिए, उसके लिए एनवायरमेंट के लिए प्रोटेक्टेड लैंड है, उस पर बनना क्यों चाहिए, क्या बाकी जमीन जगह आपके पास में नहीं है और आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया, यही बात कह रही है। और इसमें मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की फोर्ड सरकार बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में ये अपने 8109 नंबर से कॉल आई है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे इस पर। जी नमस्कार सर, शुभ नाम आपका, आपका नाम? मेरा नाम वरिंदर सैली है जी। वरिंदर सैली साहब बोलिए। देखिए पहले तो ट्रूडो साहब ही फंसे से इस चक्कर में, और अपने भाई को चैरिटी में इन्वॉल्व किया था, उसकी मदर थी राइट। अब ट्रूडो जब जाके फोर्ड के बंदे जो कर रहे हैं, दे आर ऑल करप्ट जी। हम इस कंट्री में 42 साल से टैक्स दे रहे हैं, इंडिया की जो लोग इंडिया की बातें करते हैं कि उन कंट्रियों में करप्ट है, दीज आर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स हियर। जी हर जगह चलता है, पकड़े जाए तो ठीक है, नहीं तो चलता है, सब चलता है जी, कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। इतने नाउमीद क्यों हैं आप, इतने नाउमीद क्यों हैं? मैं तो पीसी का बंदा था जी 100%, आप तो पीसी का वोट डाल ही नहीं है। और भाई पीसी वाले जो भी सुने ध्यान से सुने, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, और लोग इसलिए आपको वोट नहीं देते, आपको पावर में नहीं लाते कि आपको कि करप्शन आप जाकर कहें। दोस्तों स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से 905-601-1350-901-1350 आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, और आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है इंडिया सजावट पूजा हट के द्वारा, जहां पर मनाई जा रही है राखी, और ये राखी सरकार की तरफ से अगर माना जाए, जो हम लोगों ने शुरुआत की आज के त्यौहार का उदाहरण लेके मैं बोल रहा हूं, एक तरह से पब्लिक बांधती है, जब आपको वोट देती है तो वो समझिए अपने वोट के माध्यम से आपको राखी बांध रही है सरकार, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पब्लिक की रक्षा करेंगे, करप्शन करेंगे, उनके विश्वास की इज्जत करेंगे, ये आपसे उम्मीद की जाती है, और उतना ही गुस्सा और रोष हमें भी है। पब्लिक पूरी तरह से बेहाल है, महंगाई बढ़ी हुई है, गैस की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, हाउसिंग की क्राइसिस है, और सरकार मस्त है। एक हमारे साथ में 4807 से नंबर आया हुआ है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप, और जसबीर चौहान जी आपके पास भी आता हूं जी। नमस्कार जी बोलिए। पहले $120 दे के वोट ले लिया, उसके बाद वो हेलमेट और वेस्ट और सेफ्टी ग्लासेस सेफ्टी बूट पहन के वहां 413 के सामने
आपकी आवाज कुछ कट रही है, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं, आपकी बात आवाज हम तक नहीं आई है। और जसबीर जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तिवारी जी यहाँ घोटाले के ऊपर घोटाला है, घोटालों पर घोटाला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जो यहाँ घोटाले होते हैं ना ये बड़े रिफाइंड तरीके से करते हैं। हवा नहीं, पर अभी तो रिफाइंड तरीके से नहीं किया है, लेकिन एक चीज तो मानेंगे काम अब तो हो गया काम। अब तो, देखो हाँ। अब देखिए मेरी बात सुनिए पहले, आप किसी भी होटल में चले जाओ और आप कहोगे एक मेरे को कमरा चाहिए, तो आपको तो किसी होटल में कमरा नहीं मिलेगा। सारे होटलों में रिफ्यूजी भरे हुए हैं और हमारी इमिग्रेशन जो कितनी सालों की लाइनें लगी हुई हैं उनका कोई क्या ख्याल ही नहीं करता। ठीक कह रहे हैं आप। इनको मतलब रोज खाना आता है, कितना पूछोगे मना के हिसाब से खाना आता है और सब इनका रिफ्यूजियों के लिए आता है। जी बिल्कुल जी, जी बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ में 4807 से कॉल आई है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी आवाज कट गई होगी। हाँ बिल्कुल अभी ठीक है, बोलिए जी। मैं ये कह रहा था कि पहले $120 का वो टिकट का वो करके इन्होंने वो इलेक्शन तो जीत लिया, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ पे खड़े हो गए दो MPP, शॉवेल, सेफ्टी बूट्स, वेस्ट और सेफ्टी शूज, हेलमेट लगा के भाई 413 बनने ही वाला है जी। अब वो उसके बाद वो शुरू भी नहीं हुआ, अगली बार फिर इलेक्शन जीत जाएंगे। ऑटो इंश्योरेंस की बात भूल ही गए लगता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, दोस्तों आप समझिए इस बात को, पॉलिटिक्स और आपकी आवाज बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको ये जागृति रखनी है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का घोटाला हुआ, कैसे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे सरकार ने इसको अलाउ किया है। और प्रोसेस, ये जो आईसी के इंटीग्रिटी कमिश्नर का कहना है, उनका कहना कि प्रोसेस अनफेयर, लेकिन मैं कनाडा के ऑन्टेरियो की एक चीज तो कहूंगा कि इंटीग्रिटी कमिश्नर को कम से कम नहीं खरीदा जा सका, उन्होंने कम से कम इस बात को खुल के कहा है और फोर्ट सरकार इस हालत में सिचुएशन में आ रही है। जी मिलन जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी मिलन जी आप कुछ कहना चाहेंगे या सुखविंदर जी? जी जो भी आप लोग हैं अपनी बात कहिए, उसके बाद में फिर मैं अपनी बात रखूंगा। जी नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये भरोसे की बात होती है, इलेक्शन होते हैं ये बहुत मतलब अगर जैसे एक हमारे कॉलर कह रहे थे हम करप्शन से बच के यहाँ आए, अगर यहाँ भी करप्शन हो गया तो फिर बात ही क्या हुई। जी तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये मुद्दा और आगे बढ़ता ही जाएगा। इसके लिए करना क्या चाहिए? देखिए आपके हमारे हाथ में जुडिशरी है नहीं लेकिन एक चीज तो हमारे हाथ में है, वो है हमारे हाथ में सबसे बड़ा हथियार। नहीं ये मत सोचिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जाके 4 साल बाद में वोट करेंगे क्योंकि अभी तो जीते हुए हैं, वो कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है, लेकिन आपके पास में सबसे बड़ा हथियार जिसको सोशल मीडिया या मीडिया, सोशल मीडिया को नहीं कहूंगा, आपकी आवाज वहां तक जरूर पहुंच रही है। जो भी हमारे कंजर्वेटिव MPs और MPPs और मिनिस्टर्स हैं उनसे है कि आइए, जो हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी से हैं, हिंदी उर्दू पंजाबी गुजराती जो भी बोलते हैं समझते हैं, भाई जवाब दीजिए, सवाल पूछिए। आपने हाउसिंग मिनिस्टर को हटा दिया, लेकिन इस घोटाले के अंदर क्या उन लोगों को गिरफ्तारी होगी, उनको पहुंचाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जनता पूछती है, ओके कनाडा पूछ रहा है, ऑन्टेरियो पूछ रहा है सवाल कि ये उम्मीद आपसे हुजूर नहीं थी ऐसे हालात में, तब करके जबकि लोग जो हैं मारे मारे फिर, लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, $1,500 में $1,400 में लोगों को बेसमेंट नहीं मिल पा रही है, एक एक रूम के लिए जा रहे हैं लोग, जाते हैं ग्रोसरी खरीदने उस वक्त में सोचते हैं कि क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, ये सिचुएशन होती है। कुलदीप जी आप आए हैं कॉल पर, बोलिए क्या कहना चाहेंगे क्विकली? हाँ जी तिवारी जी, मनन जी नमस्कार जी। जी मिलन जी, मिलन मिलन जी, मिलन मिलन नीलम जी भी हैं जी। हाँ जी जी, तिवारी जी बिल्कुल, लेकिन तिवारी जी मालूम है आपका भी, आपको मेरे ख्याल में चेंज करना पड़ेगा आपको नाम अपने प्रोग्राम का। क्या बोलिए बोलिए क्या क्या नाम चेंज करूं? आप देखो आप पंजाबी लोग ना, सब हर लोग से प्यार करते हैं जी, प्यार तो करते हैं, ये तो मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ जी, लेकिन आपको भी पंजाबी अभी अच्छी तरीके से आ गई। हाँ मैंनु थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलनी आंधी है जी, देखो जी पंजाबी तो बहुत आसान है। हाँ जी, दूसरी आंधी नहीं सर,
ओंदी है जी, आप लोग सिखा दिया करो, कुछ ना कुछ मैं सीख लूंगा पक्का जी। बोलिए तिवारी जी, पता कितना जरा ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये कोई बड़ी बात नहीं, आपका मतलब है कि ये करप्शन कोई बड़ी बात नहीं? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, इसको छोड़ दो, बस छोड़ दो। नहीं सर, अभी आप कल मुद्दा कोई भी उठा लो, पंजाब का मुद्दा उठा लो, हिंदुस्तान का मुद्दा उठा लो, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसको कोई नहीं बोलता। नहीं सर, मैं ये कहूंगा कि मैं अपने जो लिसनर हैं उनके भीतर वो जो परमात्मा है जो आवाज दे रहा है, क्योंकि देखिए लगातार लाइनें एक के बाद में एक आ रही हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं। खुश इस लिहाज से हूं कि यहां की पब्लिक सुन रही है, और वो ये चाहती है कि आप उनको गानों की अफीम मत दें जो बाकी रेडियो प्रोग्राम पे होता है। इसलिए मैं 1350 एएम का बहुत प्राउड हूं जी। तिवारी जी, मेरा 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 बोलने का मकसद ये है कि जिस कानों में बात आपकी नहीं जाती है वहां पे भी जानी चाहिए। जब बिल्कुल जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, और इस मुद्दे को हम लोग आगे भी लेके चलेंगे। जसविंदर जी, जसविंदर धिनब, DHINB, आपकी कॉल है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, तिवारी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप मुझे ऐसे बताओ भी करप्शन का चीज में नहीं है, यह तो A to Z है। तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? 100% आई एम गारंटी। आप ये बताओ, भारत से आप कहां से? भारत पंजाब से आते हो ना? कहां से आते हो? पंजाब से। हां जी। वहां से यहां पे क्यों आए? इसीलिए तो आए थे कि करप्शन नहीं होगा यहां पे, ईमानदारी से रहेंगे तो यहां पे भी। अब कहां जाएंगे? तो सवाल पूछना बनता है ना आपका मेरा। आप तो चांद पे जाना पड़ेगा। अब चांद पे, वहां पे भी जाएंगे। ईमानदारी दोस्तों, एक अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी के अंदर में होनी चाहिए, ये बिल्कुल मेरा मानना है। बहुत घपले होते हैं, बहुत घपले दोस्तों, ये घपले ये आर मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग फोन कीजिए, अपने जो MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको फोन कीजिए, मैसेजेस कीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं जी 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 राकेश जी, यहाँ जिस तरह का ये मतलब इनका जो रिएक्शन आ रहा है ना, मुझे लगता है ये उसी तरह का रिएक्शन है जैसे भारत में जब 2012 से पहले जो इलेक्शन थे, 2014 से पहले माफ कीजिएगा, 2009 से 2014 के बीच में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका था कि लोगों को लगता था कि ये तो नेसेसरी है, ये तो होगा ही, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये इसी तरह की जो भावना है वो इनके अंदर भी है, मुझे लगता है। बिल्कुल होगी, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। एक एक करके जी, हाँ जी, 10 सेकंड। जो PL District स्कूल के बोर्ड के स्कूल है ना सारे, हाँ, मैं गौरव के साथ उनके काम करता हूँ। ओके, साल हो गए मुझे करते जी। जो काम नहीं भी करने वाला होता ना, वो जो वो भी कर देते हैं। अच्छा, मतलब वहां पे भी करप्शन और ये चीजें हैं। जी जी, ठीक ठीक, आप बोले, आपको बोलने का हक है, यही बात पहुंचेगी। लेकिन मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा बहुत क्विकली, एक ब्रेकिंग न्यूज प्रोग्राम के बीच में, एक ब्रेकिंग न्यूज, ओंटेरियो बिगिन प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू AJAX प्रॉपर्टीज टू ग्रीन बेल्ट। ये ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी की आई है कि ओंटेरियो सरकार ने यह कहा है कि उसने दो प्रॉपर्टी जो AJAX ओंटेरियो में है टू द ग्रीन बेल्ट आफ्टर द ओनर लिस्टेड देम फॉर सेल। तो इसका मतलब यह कि यह हंगामा तो चली रहा है। कुलदीप जी, बहुत क्विकली, ज्यादा समय नहीं है, बोलिए कुछ कहना चाहते हैं। तिवारी जी, मनन जी को मैं देखो, मिलन जी, उन्होंने मन में क्या कर दिया, उन्होंने सब जो बोलते हैं कुजे में बंद कर दिया समुंदर, कुजे में जी, कुजे में बंद कर दिया। उसने बोला भी वहां पे 2014 से पहले वहां पे क्या था ये। मैं मन जी को सलूट करता हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है जी। लेकिन मन में हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन जहाँ की बात करने के लिए हम शर्माते हैं। नहीं, यहाँ की बात, इसीलिए मुझे खुशी है कि एक बात मैं कहना चाहूंगा कुलदीप जी, कि हमारे जो अब 1350 पे आप जो लोग श्रोता हैं, वो आप सभी मतलब लाइनें लगातार एक के ऊपर एक बिजी हैं, और बहुत सारे लोगों के कॉल हम ले भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग बोल रहे हैं। और क्योंकि कैनेडा को आप हिंदुस्तान तो छोड़ के अब यहां से आप जा नहीं सकते, इस जगह पे आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, और लड़ने के लिए का मतलब डंडा लेकर नहीं लड़ना, आपको अपनी आवाज उठानी है डेमोक्रेसी में, मीडिया में आकर के अपनी बात कहनी है। सभी लोग आए हैं, बलदेव जी कुछ कहना चाहेंगे आप?
थोड़ी जी देखो आपने बोला मेरा मस्तक बहुत तेज है, देखो हमारा सरचा मरचा ग्रुप ने कितना प्रोग्राम ऊपर ले गया, चढ़नी कला जरा जो थोड़ी जिंदाबाद 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 दोस्तों। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स जिंदाबाद 1350 AM जिंदाबाद दोस्तों। और हमारे जो जसबीर जी हैं वो भी जिंदाबाद, क्योंकि यहां पर आप सच बोल सकते हैं, बाकी जगह पे तो आपको गानों की अफीम दी जाती कि भैया गाना खा के, गाना जब लोग तकलीफ में हो तो दोस्तों गाना नहीं रोना निकलता है लोगों का। और लोग ज्यादातर रेडियो प्रोग्राम्स में दोस्तों 15 साल से मैं रहा हूं, जो फ्रीडम यहां पर है वहां और कहीं नहीं, मैं साफ मैं कहना चाहूंगा, यहां पर आप अपनी बात बोल सकते हैं। ज्यादातर रेडियो प्रोग्राम से रेडियो स्टेशंस ने इस पर रुका हुआ है, समय बिल्कुल ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए, कहने के लिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक जाते जाते जरूर लेना पड़ेगा और लेते हैं, उसके साथ में कोशिश करते हैं उसके बाद में पुनः जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और उसके बाद में बात करते हैं आपसे। जी जी, अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांचो मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकेंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए और पांचो मान को 416-302-5776 416-302-5776। मम्मा इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए मक्खन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court इन Brampton, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info। दोस्तों समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, आपकी सारी कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद आप जुड़ी रक्षाबंधन के ऊपर आपने बात की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलन जी, नीलम जी और हमारे सारे कॉलर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपनी आवाज को इसी तरह बुलंद रखिए, क्योंकि वहां पर आपकी शायद आवाज नहीं सुनी गई लेकिन यहां आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर सुनते रहिए, कल भी आपसे मुलाकात होगी। राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत, अपना रेडियो हिंदी टाइम्स और इसको सहयोग भी कीजिए। हिंदी टाइम्स मीडिया पर जाइए, कॉन्टेक्ट कीजिए अगर आप अपनी सर्विसेज को पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुलाकात होगी कल आपसे पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। ਵਾਕੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਲਗਵਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਰਦੇ ਆਏ ਨੇ HD ਡਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। HD ਡਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡਸ, ਡਰੇਪਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਕਾਰਨਰਸ, ਹੈਡਬੋਰਡ, ਬੈਡਿੰਗ ਲਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਮੇਡ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ। HD ਡਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ, 9418 ਗੋਰ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਟਨ, 905-915-8787, 905-915-8787। इंसुलिन शुरू करने का विचार है? ट्रिसीबा प्रतिदिन एक बार ली जाने वाली इंसुलिन है जो खुराक के लिए लचीला समय प्रदान करती है, जब तक कि खुराकों के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतराल हो। और ट्रिसीबा कनाडा के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट द्वारा अनुशासित लंबे समय तक कार्य करने वाली इंसुलिन है। अपने डॉक्टर से पूछें क्या ट्रिसीबा आपके लिए सही है।